हेलो माय टू फैमिली, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो आज का जो ब्लॉग है गाइस, जो सुबह के 8:30 बजे स्टार्ट हो रहा है, नहा धो लिया हमने, बट पूजा पाठ हमारा अभी तक नहीं हुआ गाइस, आप देख सकते हो। तो अब चलते हैं, फटाफट से पूजा पाठ करेंगे और पतिदेव चले गए हैं अपना बाल वगैरह कट करवाने, शेविंग करवाने। तो मैं अपना घर का काम ख़त्म कर रही थी तो थोड़ा सा लेट हो गया, और संडे के दिन वैसे भी हम थोड़ा लेट ही होते हैं। तो गाइज, कल मैंने बिल्कुल भी वीडियो शूट नहीं किया था क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। आज भी आवाज़ थोड़ी भारी भारी सी लग रही होगी आप लोगों को। पतिदेव को जुकाम हुआ पहले, उसके बाद मुझे हो गया, ऐसा ही होता है। घर में अगर एक इंसान को जुकाम हो जाए ना, दूसरे को पक्का हो जाता है। तो चलिए, आज तबीयत ठीक है, मैंने कहा थोड़ा सा ब्लॉग शूट करके टाइम टू टाइम ब्लॉग डाल दूँ, वरना आज मेरा स्किप हो जाएगा ब्लॉग। तो गाइज, यहाँ पे बहुत ही अच्छे से पूजा पाठ हमारा हो गया, आप देख सकते हो। और पूजा करके मन को इतनी शांति मिलती है ना, क्या ही बताएं। तो आप लोग जय श्री श्याम, राधे राधे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और हमारे लाला जी कैसे लग रहे हैं कमेंट करके बताइएगा, मुझे तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और आज अपने लाला जी को मैंने लेप लगाया है, किसी किसी दिन हफ्ते में एक दो बार लेप लगा के हम नहलाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं लाला जी हमारे। तो गाइस, पूजा पाठ हमारा हो गया है, बाकी छत पे जल देना है, तो चलते हैं भगवान को जल दे के आते हैं, सूर्य देवता को। वैसे आज संडे है तो तुलसी मैया को जल नहीं देना है, बट पौधों को पानी देना है। तो चलिए छत पे चलते हैं, जल वगैरह दे के आते हैं। तो गाइस, अभी हम आ गए हैं छत पे और आप देख सकते हो पौधे ना, अभी शाम को हम पानी दे करके गए थे, पर कैसे सूख जाते हैं एक ही दिन में। काफ़ी तेज़ हवा भी चलती है, धूप भी निकलता है, इसीलिए ऐसा होता है। तो चलिए फटाफट से पूजा पाठ कर लेते हैं, सूर्य देवता को जल देते हैं, उसके बाद चलते हैं नीचे। पतिदेव आ गए थे, मैं पूजा कर रही थी तो पानी इन्होंने दे दिया है पौधों को भी और चिड़ियों को भी। अब रहने दो, ज़्यादा वो हाथ लगा के क्या करो बाबू, फिर मिट्टी सारा निकल जाता है, फ़ायदा क्या है पौधों का। फूल है हमारा, अभी नीचे आ गया, गेट खोल दो। ये देखो गाइस, जितना भी वॉशिंग मशीन पे सामान था ना, सारा बेड पे कैसे फेंक दिया। ये नहीं कि सारी चीज़ें हिसाब से रख दें, ऐसा कुछ नहीं है। अब मुझे ही सारी सफाई करनी पड़ेगी, देख रहे हो आप लोग कितना ज़्यादा वो करके रख देते हैं। और यहाँ पे गाइस, हमने वॉशिंग मशीन लगा दिया है, इसमें कपड़े डाल देती हूँ फटाफट से, पानी तो भर लिया वैसे भी, कपड़े डाल दूँ, कपड़े साफ़ हो जाएँ। बेड की स्थिति देखी, बेड साफ़ करना है, उसके बाद वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलने हैं, बहुत सारा काम है। तो आगे का काम हमारा जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। बाकी आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना, और जो शाम की वीडियो हमारी आएगी गाइस, जो शॉपिंग की वीडियो आएगी, आज शाम को हम और पतिदेव शॉपिंग करने जाएंगे। तो कहाँ जाएंगे और किस चीज़ की शॉपिंग करनी है, अगर आपको देखना है तो आप नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखिएगा। और मुझे अभी वीडियो एडिट करना है, थंबनेल बनाना है, अपलोड करना है, बहुत सारा काम करना है, तो लेट तो हो ही जाएगा, बट कोई बात नहीं, वीडियो मेरा जाएगा। मैंने कल वीडियो नहीं बनाया था गाइस, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी मेरी, और मन किसी किसी दिन होता है ना कि कैमरे के सामने आने का मन नहीं करता। तो चलिए, आज सुबह सुबह भगवान जी के आशीर्वाद से मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है, तो आप लोग खूब सारा प्यार दीजिएगा और कमेंट में राधे राधे लिखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।